फातिहा। العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك على خلق عظيم صلوات حج محمد وعلى محمد پروردگار عالم پیغمبر خطی مرتبت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا۔ پیغمبر کے اخلاق سے متعلق گفتگو تھی اور پچھلے شب جمعہ میں آپ کی خدمت میں پیغمبر خطی مرتبت کے اخلاق کے کچھ نمونے پیش کیے تھے۔ پیغمبر خطی مرتبت کہ اگرچہ دو دور ہیں، دو زمانے ہیں، پہلا دور اور پہلا زمانہ بعثت سے پہلے کا ہے اور دوسرا دور اور دوسرا زمانہ بعثت کے بعد کا ہے، یہ جو پہلا دور ہے یہ 40 سال کا ہے اور جو دوسرا دور ہے یہ 23 سال کا ہے۔ جو 40 سال والا دور ہے جس میں پیغمبر مکے میں ایک عام انسان کی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، مکے میں رہ رہے ہیں، مکے والوں کے درمیان رہ رہے ہیں، لیکن مکے والوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، مکے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ رسول ہے، مکے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے جو اخلاق پیش کیا اس اخلاق کے قصیدے پورے مکے میں پڑھے جاتے تھے اور پیغمبر کے اسی اخلاق کا حصہ تھا آپ کی صداقت، کہ پیغمبر نے اس ماحول میں
कि जहां लोग बात बात में झूठ बोलते थे, बात बात में झूठ बोलते थे, उस माहौल में पैगंबर ने एक ऐसा किरदार पेश किया है कि पूरा मक्का उस बचपन में, नौजवानी में, जवानी में पैगंबर को सादिक के लकब से याद करता था। और क्योंकि पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था और पैगंबर यतीम थे, लेकिन पूरे मक्के में कोई यतीम अब्दुल्लाह कहकर खिताब नहीं करता था, कोई मोहम्मद कह के नहीं पुकारता था, बल्कि जब पैगंबर मक्के की गलियों से गुजरते थे तो लोग कहते थे कि देखो सादिक जा रहा है। ये पैगंबर का अखलाक था, पैगंबर की सदाकत से पैगंबर को खिताब। जहां एक सिफत सदाकत थी, वहीं दूसरी जो मशहूर सिफत कि जिसका जिक्र मक्के वाले बहुत ज्यादा करते थे, वो थी अमानतदारी। उस माहौल में कि जहां दूर दूर तक अमानतदारी नहीं थी और हर शख्स खयानत में लगा हुआ था, मिलावट में लगा हुआ था, उस माहौल में कि जहां जिसका माहौल, जिसका माल पाए, जिसकी जमीन जायदाद पा जाए, हड़प कर जाए, कोई चलता हुआ काफिला मिल जाए तो उसे लूट लें, ऐसे माहौल में पैगंबर ने जो एक दूसरी सिफत पैगंबर की कि जिससे मक्के वालों ने आपको याद किया, वो थी अमानतदारी। पैगंबर जब मक्के की गलियों में निकलते थे तो जहां लोग आपको सादिक कह के खिताब करते थे, वहीं कोई पैगंबर को मोहम्मद नहीं पुकारता था, बल्कि कहते देखो अमीन जा रहा है। अमीन यानी अमानतदार। और जाहिर सी बात है कि देखिए, इबादत गुजारों में अपने को इबादत गुजार के तौर पर पेश करना ये कमाल नहीं है। रोजेदारों में अपने को रोजेदार के तौर पर पेश करना यह कमाल नहीं है। दीनदारों के दरमियान में रह के अपने को दीनदार के तौर पर पेश करना यह कमाल नहीं है। कमाल यह है कि चारों तरफ बेदीनी हो, चारों तरफ बेहयाई हो, चारों तरफ बेगैरती हो, चारों तरफ खयानत हो, चारों तरफ झूठ हो, और ऐसे माहौल में अपने को सादिक के तौर पर पहचानवाना, ऐसे माहौल में अपने को अमीन के तौर के ऊपर पहचानवाना, ऐसे माहौल में अपने को एक दीनदार के तौर पर पहचानवाना, यह है पैगंबर का अखलाक और यह है पैगंबर का कमाल। आम तौर से आप देखते भी हैं कि बहुत से मौकों के ऊपर माहौल असरअंदाज होता है। एक बस्ती है कि जहाँ के ऊपर नमाज के अवकात का एहतराम नहीं है, लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन कोई ख़ास अहमियत नहीं देते, कोई एक बजे जाके पढ़ाया, कोई तीन बजे पढ़ाया, कोई अपना शाम को छः बजे पढ़ाया, मगरिब की नमाज में कोई आया कोई नहीं आया वगैरह वगैरह। उस माहौल में जो जाता है ना तो वो भी वैसे ही हो जाता है, उस माहौल में जो रहता है वो भी वैसे ही हो जाता है, कभी अहमियत दी कभी अहमियत नहीं दी, कभी नमाज पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, कभी टाइम पे पढ़ी कभी टाइम पे नहीं पढ़ी, कभी अदा पढ़ी कभी कजा कर दी। लेकिन एक माहौल अगर हो, टाइम से जमात हो रही, टाइम से नमाज हो रही है, अक्सरियत नमाज में जमात में आ रही है, तो वहां पर अपने को भी ये होता है कि अब ऐसे माहौल में रहते हुए अगर हम नमाज में नहीं शरीक होंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये भी पहलू होता है कि ये नमाज नहीं पढ़ता है, पूरा शहर रोजा रख रहा है और हम जाके बीड़ी पिए सिगरेट पिए तो लोग क्या कहेंगे, देखो पूरा शहर रोजे से और ये जो है वो बगैर रोजे के है। तो समाज और माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, एक माहौल के खराब होने के ऊपर और एक माहौल के अच्छे होने के ऊपर, एक माहौल के बेदीन होने के ऊपर और एक माहौल के दीनदार होने पर। माहौल अगर दीनदार होता है तो इंसान खुद उसमें दीन की पाबंदी करता है, अगर माहौल बेदीनी का होता है तो इंसान उस माहौल में रह के
अगर दीनदार होता है तो भी बेदीन हो जाता है। एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि लोगों के ऊपर माहौल का असर ना हो। पैगंबर खती मर्तबत का कमाल यही है कि पैगंबर के ऊपर अरब के माहौल का असर नहीं हुआ। हां, उस अरब के माहौल पर पैगंबर का असर हुआ, उस अरब के माहौल पर, उस मक्के के माहौल पर पैगंबर का असर हुआ, लेकिन पैगंबर पर मक्के का असर नहीं हुआ, पैगंबर पर अरब का असर नहीं हुआ। और पैगंबर का जो अखलाक था, पैगंबर का जो किरदार था, पैगंबर जहां लोग इन दो मशहूर सिफतों से पैगंबर को याद करते थे, सादिक और अमीन, वहीं मैंने कुछ नमूने आपकी खिदमत में पैगंबर के रोज़मर्रा की जिंदगी से पेश किए थे कि पैगंबर रास्ता कैसे चलते थे। पैगंबर रास्ता जब चलते थे तो आपकी नज़रें नीचे रहती थी, आप नज़रों को झुका के चलते थे और आराम और मतानत से चलते थे, ना बिल्कुल आहिस्ता ना बहुत तेज, आराम से कदम को उठाते थे और आराम से ज़मीन के ऊपर रखते थे, मतानत के साथ आप ज़मीन के ऊपर चलते थे। इसी तरीके से अगर पैगंबर बैठते थे तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में, कभी भी अगर पैगंबर के सामने कोई बैठा होता तो पैगंबर पैर नहीं फैलाते थे, यहाँ तक कि घर के अंदर भी अगर कोई पैगंबर के करीब आके बैठ गया तो पैगंबर पैर समेट लेते थे, चाहे बच्चा हो या कोई जवान हो या कोई बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई करीब पे पकड़ आके बैठ गया तो पैगंबर पैरों को समेट लेते थे, पैगंबर पैर नहीं फैलाते थे। इसी तरीके से पैगंबर जब आराम फरमाते थे तो पैगंबर सीधे लेटते थे, बिल्कुल सीधे लेटते थे पैगंबर। और मुस्तहब भी यही है कि या इंसान बिल्कुल सीधा लेटे या फिर दाहिनी करवट लेटे, और इन दोनों तरीकों से लेटने के खुद तिब्बी और डॉक्टरी फायदे भी हैं। बाईं करवट लेटने को मना किया गया है कि बाईं करवट या उल्टा, ये तो बहुत ही सख्ती के साथ मना है कि इंसान उल्टा ना लेटे, यानी पेट के बल, जिस तरीके से आमतौर से बच्चे, नौजवान, जवान ज्यादातर पेट के बल लेट जाते हैं, पेट के बल लेटने से सख्ती के साथ मना किया गया है कि पेट के बल ना लेटो, या बिल्कुल चित एकदम सीधे लेटो या फिर दाहिनी करवट लेटो। ये दोनों तरीके मुस्तहबात में से हैं, सीधे लेटना और दाहिनी करवट लेटना। इसी तरीके से पैगंबर जब किसी से कलाम करते थे तो पैगंबर के कलाम करने का अंदाज ये होता था कि पैगंबर कलाम करने में आपका जो दहन था वो बहुत ज्यादा नहीं खुलता था, बल्कि आराम से गुफ्तगू करते थे और सिर्फ आपके होंठ और कभी कभी आपके दंदान मुबारक जाहिर हो जाया करते थे, सिर्फ आपके होंठ हिलते थे और कभी कभी आपके दंदान मुबारक जाहिर हो जाया करते थे। कभी भी चीख के किसी से बात नहीं करते थे, किसी से बुलंद आवाज से किसी से कलाम नहीं करते थे, बहुत ही आराम से और मतानत से आप गुफ्तगू फरमाते थे। खाने के ऊपर जब पैगंबर बैठते थे, पिछले शब जुमा में आपकी खिदमत में जिक्र किया था, तो एक जानू के ऊपर बैठते थे और जो कुछ दस्तरखान पर सामने होता था उसी पे आप इक्तिफा और कनाअत करते थे। पैगंबर से जब कोई मिलने आता था तो पैगंबर नहायत ही खंदा पेशानी के साथ उससे मुलाकात करते थे, नहायत ही खंदा पेशानी के साथ, यानी खुले हुए चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल करते थे, उससे मिलते थे। और जब कोई जाने लगता था तो पैगंबर उसे रुख्सत करने के लिए, छोड़ने के लिए घर के दरवाजे तक या घर के बाहर तक आते थे और उसको रुख्सत करते थे पैगंबर। और इसी सिलसिले में वाकया भी मशहूर है कि जो अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल गालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से है,
क्योंकि हम जानशीन पैगंबर भी उसी को मानते हैं कि जो पैगंबर के अखलाक और किरदार का मालिक हो। अमीरुल मोमिनीन का ज़माना है, अमीरुल मोमिनीन का दौर हुकूमत है, और इस दौर खिलाफत और दौर हुकूमत में अमीरुल मोमिनीन मदीने से चले कूफे की तरफ। जब अमीरुल मोमिनीन मदीने से कूफे की तरफ चले, आपके साथ एक यहूदी भी हो गया, साथ में का बातें करते रहे, गुफ्तगू होती रही, रास्ता तय होता रहा। कोई आज के तरीके से ये कोई हवाई जहाज़ और मोटर और ट्रेन का सफ़र तो था नहीं। उस ज़माने को जो सफ़र होते थे या पैदल होते थे या फिर ऊँट और घोड़ों के ऊपर और खच्चरों के ऊपर होते थे। अब जाहिर सी बात है कि मदीने से मक्के जाना है, सफ़र है, पीछे आगे जहाँ भी रहा हो साथ हो गया, गुफ्तगू होती रही, बातें होती रही, रास्ता तय होता रहा, यहाँ तक के एक दोराहे पर पहुंचे। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन को कूफे जाना था और इस यहूदी को बसरे जाना था, यहूदी को बसरे जाना था, मौला अली को कूफे जाना था। चलते चलते एक दोराहे के ऊपर पहुंचे। एक रास्ता वहां से कूफे की तरफ जाता था, एक रास्ता बसरे की तरफ जाता था। अमीरुल मोमिनीन ने अपना रास्ता छोड़ा और उस यहूदी के साथ बसरे वाले रास्ते पर चलने लगे। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि एक मर्तबा वो मुतवज्जे हुआ यहूदी, और उसने कहा, या अली, आप तो कह रहे थे कि आपको कूफे जाना है। कहाँ कूफे जाना है? कहा ये तो रास्ता बसरे का है। कहा ये भी मालूम है कि बसरे का रास्ता है, कहा फिर इधर क्यों आए आप? आपको उधर उस रास्ते पर जाना है, आप इस रास्ते पर क्यों आ रहे हैं हमारे साथ? ये रास्ता बसरे जाएगा, बसरे से तो कूफे आपको बहुत दूर पड़ेगा। मौला अली ने फरमाया कि मुझे मालूम है कि वो कूफे का रास्ता है, ये बसरे का रास्ता है, लेकिन मेरे पैगंबर की तालीम है, मेरे पैगंबर की तालीम है। किससे फरमा रहे हैं? उस यहूदी से। मेरे पैगंबर की तालीम है कि अगर कुछ देर तुम्हारे साथ कोई रहे और फिर तुमसे वो अलग होने लगे तो दो चार दस कदम उसे छोड़ने के लिए जाओ, कुछ दूर उसे छोड़ने के लिए जाओ, उसको रुखसत करने के लिए जाओ। जैसे ही उस यहूदी ने सुना, जैसे उसको एक करंट सा लग गया, कहा क्या कहा? ये आपके पैगंबर की तालीम है? कहा मेरे पैगंबर की तालीम है, अल्लाह के रसूल की तालीम है। पैगंबर ने फरमाया है कि अगर कुछ देर किसी के साथ बैठो, कुछ देर किसी के साथ रहो और जुदा होने लगो तो कुछ दूर उसे छोड़ने के लिए जाओ। बस जैसे ही इतना सुनना था, कहता या अली, जिस पैगंबर की तालीमात इतनी बुलंद हो, आप मुझे भी उस पैगंबर की तालीम से आशना कीजिए और उसके दीन की मुझे भी तालीम दीजिए। और वहीं के ऊपर अमीरुल मोमिनीन के हाथों के ऊपर वो मुसलमान हुआ और अमीरुल मोमिनीन ने एक पैगाम दिया कि देखो, रास्ता मैं नहीं भटका था, रास्ता तू भटका था। मैं तो भटके हुए को रास्ते पर लगाने के लिए आया था। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अखलाक पैगंबर है, और जैसा कि मैंने पिछले शबे जुम्मा में वादा किया था कि इंशाअल्लाह ये जो शबे जुम्मा की मजालिस हैं, इनमें एक एक दो दो पैगंबर के अखलाक के नमूने इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश होंगे। और जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि जो पैगंबर का अखलाक है वही अखलाक जानशीन पैगंबर का, इसलिए कि हम जिन आइम्मा अलैहिस्सलाम की इमामत को कबूल करते हैं और तस्लीम करते हैं, या जिन्हें पैगंबर का खलीफा और पैगंबर का जानशीन मानते हैं, तो हम सिर्फ जगह पर बैठने को खलीफा नहीं मानते, बल्कि हम खलीफा उसको मानते हैं कि जो जिसके यहाँ जिसका अखलाक पैगंबर का अखलाक हो, जिसका किरदार पैगंबर का अखलाक हो, जिसकी रफ्तार और गुफ्तार पैगंबर की रफ्तार और गुफ्तार हो। और आप मुलाहजा फरमाएं कि पैगंबर ने अगर इस इस्लाम को फैलाने के लिए, इस दीन को बचाने के लिए
अगर पैगंबर ने जहमतें उठाई हैं, तकलीफें गवारा की हैं, पत्थर खाए हैं, कांटों पर चले हैं, तोहमतें और इल्ज़ामात आप पर लगाए गए हैं, वतन छोड़ा है, तो अगर आप इन पैगंबर के बरहक जानशीनों की ज़िंदगियों को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर पैगंबर ने इस इस्लाम को फैलाने के लिए ये सारी जहमतें उठाई हैं तो आपके इन बरहक जानशीनों ने इसी इस्लाम को बचाने के लिए सारी जहमतें और तकलीफ़ें गवारा की हैं। वरना अमीरुल मोमिनीन से लेके 11वें इमाम तक जितने भी इमाम शहीद हुए हैं, क्या वजह थी कि इन इमामों को शहीद किया गया? सिर्फ ये कि वो दीन के पासदार थे, शरीयत के निगहबान थे, और जो मुकाबिल में अफराद थे वो नहीं चाहते थे कि ये दीन की पासदारी और शरीयत की निगहबानी करें। लिहाजा इस बुनियाद पर इन अइम्मा अलैहिमुस्सलाम को या तो जहर से या तलवार से शहीद कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा नमूना खुद करबला है। क्योंकि करबला एक ऐसी जगह और एक ऐसा मकाम है कि जहाँ के ऊपर इस दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना माल कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी औलाद कुर्बान कर दी, अपना घर बार लुटा दिया। और जैसा कि आप सब सुनते हैं कि जैसे ही फिजाए करबला में आवाज़ गूंजी, अला कुतिल अल हुसैन व करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन व करबला, इस आवाज़ के बुलंद होते ही क्या वाकई करबला ख़त्म हो गया? क्या करबला में इमाम की ये जो जंग थी ये तमाम हो गई? क्या इन जालिमों का जुल्म ख़त्म हो गया? नहीं अज़ादारों, जैसे ही फिजाए करबला में ये आवाज़ गूंजी, एक मरतबा उमर साद रकाबों पे जोर देके खड़ा हो गया घोड़े के ऊपर, और जोर देके उन फौजियों को कि जो खुशियां मनाते हुए भाग रहे थे, मैदान से जा रहे थे, उनसे कहता है कि ये फौज वालों कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ मैदान छोड़ रहे हो, अभी तो एक और बहुत बड़ा काम बाकी है। बस एक मर्तबा उन फौजियों ने कहा, उन सिपाहियों ने कहा कि हमारे साथ हुसैन तो कत्ल कर दिए गए, अब क्या बाकी रह गया? कहा नहीं, अभी हुसैन की लाश को घोड़ों की टापों से पामाल करना है। अजादारों, दरमियान में इमाम के लाशे को रखा गया, 10 बड़ी बड़ी टापों वाले घोड़े आगे बढ़े, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, अजादारों खैमों में आग लग गई, मालो असबाब लूट लिया गया, चौथे इमाम पूरी रात सर सजदे खालिक में रखे हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्मन व तस्दीका, अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, सयालमुल्लदीना ज़लमू अय्यामन क़लबी यनक़लबून, بحق الزهراء وابيها وبعالها وبنيها। بارہ الہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب رحمت، شب دعا۔ معبود ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں، معبود ہم سب کو معاف فرما، ہماری غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما۔ معبود مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بارِ الٰہی دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل، خوار اور نیست و نابود فرما۔ بارِ الٰہی جو مومن مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بارِ الٰہی تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل، خوار اور نیست و نابود فرما۔ بار الہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں اور خادموں میں شمار فرما۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کل ایران کے شہر شیراز میں جو 7ویں امام کے بیٹے ہیں، ہمارے 8ویں امام اور جناب معصوم قم کے بھائی جناب حضرت احمد ابن موسیٰ علیہ السلام، جو وہاں شاہ چراغ کے نام سے مشہور ہے، جن کا روضہ، اس کے اوپر ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا،
और जिसके नतीजे में तकरीबन 15 ज़ायरीन शहीद हो गए और 40 से ज़्यादा ज़ायरीन ज़ख्मी हो गए। आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर इन शुहदा की रूह को इसाल फरमा दें।